मैं ये समझता हूँ कि आदमी में ट्रस्ट जैसे इदारों की पूरे आदमी को जरूरत है और ये बड़ा खास काम वो इस तरह से कि आप भी देखिए कि आज से 10 साल पहले बड़ा बहन और इनके जो बाकी गरीबी साथ इन्होंने जरूरत शब्द का शिकवा नहीं किया। इन्होंने जब ये देखा कि जरूरत तारीखी जहालत की तारीखी अपने जोरों पर जब इन्होंने देखा कि जो मुफलिसी में गिरफ्तार बच्चे वो पढ़ना तो दूर की बात उनके पास तो शरारत करने का वक्त भी नहीं है, वो अपने काम में और अपनी भूख में सारा दिन खोशा रहते हैं। फिर इन्होंने अपने साथियों के साथ में तादाद का और बच्चे का फासला खत्म हुआ। इन बच्चों का जो सारा दिन मेहनत और मजदूरी करते थे फिर इन्होंने ये गीड़ा उठाया, पहले बड़ा बहन इसमें थी इन्होंने शुरू किया, बाद में कुछ लोग इसमें शामिल किए। इन्होंने फिर ये सोचा कि बच्चों का जो जिन्हें हम गरीब कहते दरअसल ये हमारे अपने जात किए हुए लफ्ज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मौाक़े कुछ लोगों को कम मिलते हैं कुछ ज़्यादा मिलते हैं। इस बस्ती में आलम बीबी ट्रस्ट मौजूद है, तामीर किया गया है। इस यहाँ बच्चों को एजुकेशन के मौाक़े नहीं मिलते, बच्चों को भूख की फिक्र, वालदैन को ये थी कि वो दोपहर का खाना कहाँ से आएगा। तो इस तरह के मसाइल थे, इन्होंने ज़रूरत शब का शिकवा नहीं किया बल्कि अपने हिस्से की क्षमा जला दी और आज से 10 साल पहले आलम बीबी ट्रस्ट के नाम से एक ऐसा ट्रस्ट शुरू किया कि लोगों ने उस पर जब ट्रस्ट करना शुरू कर दिया फिर आप ये देखिए कि यहाँ 600 से ज़्यादा बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे पहले वो यहाँ दाखिल होते। और फिर मैं ये कहता हूँ कि मैंने जब इन बच्चों को यहाँ पढ़ते हुए देखा, इन बच्चों को जब यहाँ पे मुस्कुराते हुए और खेलते हुए देखा तो मुझे ये लगा कि एक तो यहाँ सिर्फ हर्फ नहीं रटवाए जाते, यहाँ तरबियत नहीं, यहाँ वो तहजीब क्लास में बच्चों को भी तहजीब सिखाते, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। तो वो जो सहमे हुए बच्चे थे, जो शरारत से दूर थे, जो किताब से दूर थे, जो कलम से दूर थे, उनको शरारत भी करना सिखाया, उनको हंसना सिखाया, खेलना सिखाया। जब मैंने इनसे पूछा कि दोपहर का खाना जब आप बच्चों में तकसीम करते हैं तो क्या इसकी वजह है, इन्होंने कहा कि नहीं, इससे ये होता है कि वो जो रिस्क की फिक्र है कि दोपहर का कहाँ से आएगा, शाम का कहाँ से आएगा, वो फिक्र हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह की मदद से, और इस फिक्र को ख़त्म करने से इन बच्चों की किताब से। मैं ये अपील करता हूँ और ये मेरी गुजारिश भी है, ये मेरी दरख्वास्त भी है, आई बैग मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम इस स्कूल को, इस ट्रस्ट को, इसको ट्रस्ट करते हुए हम हमारे पास जो हमारी सलाहितों की अमाउंट है, हम वो सलाहितें इसको डोनेट करें, बल्कि मैं डोनेट नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि कंट्रीब्यूट करें अपनी सलाहितें। हमारे पास वक्त है तो हम वक्त की सूरत में कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपना हिस्सा डालें इस ट्रस्ट में। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, माल है, वो हम इस ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि हम दरअसल हम किसी पर नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने आप पर कर रहे हैं। हम चूँकि आप देखिए कि बड़ा बहन और जो बाकी जो लोग हैं, आपको पता है ये क्या कर रहे हैं, ये अंधेरी रातों में चाँद बन रहे हैं, ये गुलों की खुशबू को कैद कर रहे हैं, ये सफेद लम्हों में रंग भर रहे हैं, ये उदास बच्चों से प्यार कर रहे हैं। हमने इन ईंटों को संगे मरमर बनाना, बस्ती हुई बस्तियों में बसना बड़ा आसान होता है लेकिन बस्तियाँ बसा के उनमें बसना बड़ा मुश्किल का है। इसलिए एक ईंट में अपने जिम्मे देखता हूँ और बाकी आप सब सारी खूबसूरत और मुकम्मल दुआएँ उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कि जिन्हें खड़ा बहन ने पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, हंसना सिखाया और शरारत सिखाया।